हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज का वीडियो में मैं थोड़ा सा बाथरूम मेकओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सामान मैंने अमेजोन से मंगाया है और थोड़ा घर पे जो सामान था वो सामान का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बाथरूम अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब डिंजी है, डिप्रेसिंग है। तो मैंने सोचा मेकओवर छोटा सा करेंगे, तो जैसे एंटर करोगे बाथरूम में तब लगेगा ना कि हाँ स्पा टाइप का फील। वैसा स्पा तो मैंने क्लीन सब कुछ करके रखा है, टाइल्स वगैरह जितना घर घिस सकती थी घिस के, ये टाइल्स वगैरह, वॉल टाइल्स वगैरह सब पोछ पाछ के रखा है। अब सिर्फ मैं थोड़ा सा ना मेकओवर करती हूँ और मैं आपको बिफोर दिखाती हूँ। ऐसा है मेरा बाथरूम। सबसे पहले देखिए, मेरा बाथरूम ऐसा है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, रखने के लिए कुछ जगह नहीं है, बाल्टी वैसा है। साफ सफाई तो मैंने कर ली, लेकिन ये सामान को रखने के लिए एक सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए मैं ना सब्जी का रैक जो था मेरे पास, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारा सामान मैं उसमें रख देती हूँ। ये रहा वो सब्जी का रैक, मैं इसमें सारा सामान को स्टैक स्टोर कर दूंगी। और ये जो टाइल्स है ना, मैंने रगड़ रगड़ के इतना साफ किया है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और ये जो बीच बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ग्राउट में प्रॉब्लम है, उसका दाग तो और नहीं जा रहा है। ब्रश से भी मैंने ट्राई किया और ये ऊपर ऊपर सारा मैंने रगड़ रगड़ के धो लिया है। अब काम में लग जाते हैं, अब मेकओवर करते हैं इस बाथरूम का। इस कोने में मैं वो वाला रैक जो है ना, उस कोने में रखूंगी ये वाला रैक। जितने भी सामान है ना, जैसे शैम्पू वगैरह जो भी डेली यूज होता है, वो मैं इसमें रख दूंगी। ये हो गया काउंटर टॉप सब खाली। काउंटर टॉप और ये विंडोज़ में जितने भी सामान रखे थे ये सब खाली हो गया। और मैंने यहाँ पे जो ब्रश वगैरह रखा है, इसके लिए मैंने डिस्पेंसर लिया है और ब्रश होल्डर लिया है, उसका इस्तेमाल करूँगी। अब मैं ना ये खिड़की में पर्दा लगा दूँगी। पर्दा लगाने के लिए मैं ऐसा हुक का इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी मैं इस हुक को ना साइड, दो साइड में लगा दूंगी ऐसे। पर्दा, लेकिन मैंने पर्दा को इस टाइल्स में रखा, इसलिए रखा क्योंकि ये जो काउंटर स्पेस है ना, उसमें मैं जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह रख सकूं और पर्दे से उसको ढक सकूं, इसलिए मैंने लगाया है। अब जैसे कि मैं विम वगैरह यूज करती हूँ वो फॉसेट के लिए, ये विम देख के आप चौंक रहे होंगे कि विम जेल क्यों है। मैं विम जेल से ना ये जो फॉसेट है उसको चमकाती हूँ, जितना भी हो सके मैं चमकाने का कोशिश करती हूँ। तो इसको यहाँ रख देते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट वगैरह जितने भी है ना वो यहाँ रख देती हूँ। जैसे कि ये टॉवल में काउंटर टॉप पोछने के लिए यूज करती हूँ, जैसे कि ये हुआ, अब इसको सुखाना पड़ता है राइट। आप कहीं पे भी रखो इतना गंदा सा लगता है ये, तो ऑब्वियसली इसको पीछे की तरफ रखो और वो सूख जाएगा और वो दिखाई भी नहीं देगा, ये पर्दे से ढकने के लिए, इसलिए मैंने पर्दा इस साइड पे लगाया। ये कर्टन पुराना सा कर्टन है, मैंने रखा था, तो इस कर्टन को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो कर्टन रॉड है ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, सबसे सस्ता जो था वही मंगाया मैंने अमेजोन से। अब इसको टांग देंगे,
ये पर्दा लगाने से ना यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो छुप जाएगा। और मैंने बाथ मैट अमेजोन से मंगाया है, आज तो नहीं है लेकिन जब आएगा तब बाथ मैट लगाऊंगी। अब सजाएंगे काउंटर टॉप। मैंने अमेजोन से ना ये स्टैंड मंगाया था, लेकिन ये स्टैंड में ना ये जो सोप डिस्पेंसर भी जो मंगाया था ये फिट नहीं होता है। फिट तो होता है लेकिन इसके साथ ये जो ब्रश होल्डर है ना वो फिट नहीं होता है, बहुत छोटा पड़ गया है। इसलिए मैं सोच रही हूँ या तो सिर्फ ये ट्रे यूज करूंगी क्योंकि ये ट्रे परफेक्ट है ये दोनों चीजों के लिए ऐसे। तो मैंने सोचा इसको ना इसको यहाँ पे रख दूंगी, इसके ऊपर ये ट्रे रख दूंगी और फिर सोप डिस्पेंसर और ब्रश होल्डर रख दूंगी और ये चल इसको यूज नहीं करना है। ये ब्रश होल्डर और ये हो गया है और इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इस काउंटर टॉप को सजाने के लिए मैंने एक ट्रे रखा है, इसके ऊपर ये फूल बोल रही हूँ ग्रीनरी रख रही हूँ और ये एक कॉटन बड्स, ये कॉटन बॉल्स, ये है कैंडल और दो ऐसे टॉवल्स रख दूंगी। और मैं सोच रही हूँ इसको इस कोने में रखने के लिए। अब ऐसे तो ठीक ही लग रहा है लेकिन जब मुंह धोएंगे ना तब ना सारा भीग जाएगा। और मेरा हस्बैंड कैसे मुंह धोते हैं, वाटर स्प्लैश कर करके जैसे नहाते हैं वैसे। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना उस कॉर्नर में रख दूंगी और ये सोप डिस्पेंसर वगैरह को इस कॉर्नर यहाँ पे रख दूंगी। तो एक बार शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको यहाँ रख देते हैं और ये फ्लावर को इधर रख देते हैं और ये फ्लावर्स को इधर रख देते हैं और ये आगे ना जाए सोप डिस्पेंसर और ब्रश को इधर रख देते हैं। तो ऐसे रख देते हैं इसको। अब आती है बारी इस वॉल को, ब्लैंक वॉल को ना थोड़ा मैं सोच रही हूँ कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी। अमेजोन से मैंने सस्ते में पिक्चर्स मंगाए हैं। यहाँ पे मैंने तीन पोस्टर्स चिपका दिया लेकिन ये मुझे लगता है पोस्टर्स ना टाइल्स पे नहीं चिपकता है, शायद नहीं चिपकता है। अब आप देख रहे हैं ये खाली जगह ना, यहाँ पे भी मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ। मतलब पिक्चर रख के पर ये ना चिपक रहा नहीं, ये वाला टाइल्स में तो चिपक रहा है, ये वाला टाइल्स में नहीं चिपक रहा है। एक्चुअली मैंने फिर से सेटअप को चेंज कर दिया, वो जो ट्रे यहाँ पे था मैंने इसको यहाँ रख दिया है और सोप डिस्पेंसर वगैरह वहाँ पे रख दिया बिकॉज बहुत खाली लग रहा है। ये वॉल में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं और बाथरूम ऐसा लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ मैंने वो प्लांट भी वहाँ पे हैंग कर दिया, फेक प्लांट है। और अभी बाथरूम ऐसा है, अब तो मुझे बाथरूम में डेफिनेटली जाने का मन करेगा। मेकओवर आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ताकि मेरा ऐसा ही वीडियो तो नहीं डालती हूँ मैं रोज, डे टू डे जैसे व्लॉग्स डालती हूँ और कभी कभी मेकओवर डालूंगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रखिए और मैं फिर से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।